वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मेरे रोज के वीडियो नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो एमसीएक्स और कॉमेक्स के बारे में है। एमसीएक्स के लेवल सबसे लास्ट में मिलेंगे आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। इलेक्शंस का रिजल्ट है आज इंडिया में हमारे यहाँ, और दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट मोदी विल कम बैक एंड मार्केट्स आर रियली गुड एज ऑफ नाउ। अभी मार्केट काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी 150 रुपए ऊपर है, 150 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर है। तो चलिए ये हो गई निफ्टी की बात, मार्केट स्टॉक मार्केट की बात। निफ्टी में इस वीक हमने कोई ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बट एमसीएक्स में हमारी ट्रेडिंग जारी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड कल थोड़ा सा नीचे आ गया था फेड मीटिंग मिनट्स के बाद, उसके बाद मार्केट ने वापस से रिकवरी करी है, वापस से कल वाले लेवल पे आ गया। आप देखो तो मार्केट में एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेडिंग चल रही है जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। ये इस साल ही ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट मैं 2007 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि इतने महीनों तक मार्केट में ज्यादा रेंज ना आए। तो अभी बहुत ही एक टाइट रेंज में मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया ट्रेडिंग करना। बट अभी हमारा ट्रेडिंग तो चल ही रहा है, इतना कोई ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हफ्ते में एक ही ट्रेड हो पाता है बिकॉज $60 का मेरा स्टॉप लॉस रहता है, $60 का टारगेट रहता है। तो हफ्ते में कॉमेक्स में एक ही ट्रेड हो पा रहा है एंड दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि हम काफी टाइम तक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतनी टाइम तक पोजीशन होल्ड करना। बट क्या करें, मंडे से हमने पोजीशन ली थी मार्केट में और अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज गोल्ड का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, सपोर्ट थोड़ा चेंज हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर आगे बात करेंगे। गोल्ड का आज का रेजिस्टेंस रहेगा $1282 का, सपोर्ट रहेगा $1265 का। $1265 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर $1265 से नीचे मार्केट निकल गया और अगर क्लोज भी हो गया, ये लेवल मैंने अपने वीकली एनालिसिस में भी दिया था, अगर $1265 के नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट में काफी वीकनेस आ सकती है। 1282 के ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा है काफी टाइम से। इनफैक्ट $1278 तक गया था लेकिन अभी तक मार्केट ने वो 1282 तोड़ा नहीं है। 1282 से ऊपर मार्केट निकला तो 1290 और 1299 जा सकता है। चलिए चांदी पे आते हैं। यह है चांदी का चार्ट। ये भी ऑलमोस्ट 7 से 8 सेंट्स की रेंज में चल रहा है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं आ रही, देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट ये 49 है और 37 है, ये दो दिन की कैंडल जो है वो 12 सेंट में है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही कम रेंज है, मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है, वेट कर रहे हैं कि कुछ हो मार्केट में। रिस्क मार्केट में जरूर बना हुआ है ट्रेड वॉर का और ईरान की वॉर का, बट अभी उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस। सिल्वर का आज का सपोर्ट रहेगा 1425 का, रेजिस्टेंस है 1460 का। 1460 से ऊपर निकला मार्केट तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक और आ सकता है, $1480 और $15 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा अगर मार्केट में 1425 टूट गया तो $14 और $13.80 तक जा सकता है। चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं। ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 60-80 के आसपास अभी आ चुका है। आज इसका आज का सपोर्ट देखते हैं पहले। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 59.80, बहुत ही मेजर सपोर्ट है, रिवर्सल लेवल है ये। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा अगर इसके नीचे मार्केट ने सस्टेन किया। 59.80 के नीचे मार्केट $58 और $55 भी जा सकता है। रेजिस्टेंस है इसका 61.30 का। 61.30 के ऊपर मार्केट निकला तो थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा मार्केट में, 62 और 62.50 तक का। अगर आप सेल में हैं तो 61.30 के ऊपर होल्ड ना करें। अगर आपकी बाइंग है
तो 59.80 के नीचे होल्ड ना करें। हमारा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने क्रूड ऑयल में फिलहाल ट्रेड नहीं किया है 2-3 दिन से, तो दैट्स दैट। चलिए एमसीएक्स को देख लेते हैं। कॉपर काफी नीचे आ गई है, कॉपर का सपोर्ट है आज का 409.20, रेजिस्टेंस आएगा 414.10 का। बाउंस बैक थोड़ा आना चाहिए कॉपर में, बट अभी हम मैं कोई बाइंग या सेलिंग नहीं दे रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, अभी तक मैंने दी नहीं है। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 41.70 का, रेजिस्टेंस का आ गया 42.92 का। चांदी चल रही है 36,220, सिल्वर का आज का सपोर्ट आएगा 35,870 का, और आज का रेजिस्टेंस आएगा 36,610 का। गोल्ड चल रहा है 31,350। काफी लोगों का गोल्ड में बाइंग खड़ा है, यू नो आई अंडरस्टैंड दैट, बट कॉमेक्स में तो सिर्फ 20-22 डॉलर ही नीचे आया है। बट जो मेन प्रॉब्लम एमसीएक्स में गोल्ड में आ रही है वो आईएनआर में आ रही है। यूएसडी आईएनआर आज भी तकरीबन 15 पैसे डाउन है, 69.69 चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ गोल्ड डाउन है। अदरवाइज कॉमेक्स में तो रिकवरी हुई है कल रात के लेवल से। चलिए एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट देख लेते हैं आज का क्या है। एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट आज का बनेगा 31,140 का, रेजिस्टेंस है 31,560। चलिए ये हो गए आज के लेवल्स। अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई ट्रेड फंसा हुआ है तो नीचे कमेंट में बताएं मुझे, मैं आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा। चलिए कल वापस से अपडेट करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।